हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोगों का रोमन नंबर का प्लेलिस्ट चल रहा है उसमें हम लोग अभी तक 14 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें 50-50 करके हम लोग 700 तक रोमन नंबर्स को देख लिया कि कैसे लिखा जाता है। तो आज हम लोग चलते हैं 15th पार्ट देखते हैं, जिसमें हम लोग 701 से लेके 750 तक देखेंगे कि कैसे हम लोग रोमन नंबर्स को लिखेंगे। ठीक है, बाकी जो इस रोमन नंबर्स का रूल क्लास है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा, वो इस प्लेलिस्ट में पहला वीडियो है जिसमें हम लोगों ने रोमन नंबर्स के रूल्स के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे रूल्स होते हैं रोमन नंबर्स लिखने के, क्या क्या सिंबल्स होते हैं, किस सिंबल्स को कैसे यूज़ किया जाता है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम लोग चलते हैं 701 से लेके आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग थोड़ा सा रिमाइंड कर लें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने 700 का देखा था लास्ट नंबर, तो 700 की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 500 प्लस 100 प्लस 100। अगर इसको हम 700 को ब्रेक करें तो 500 प्लस 100 प्लस 100 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें 500 का तो ये होता है डी, 500 का रोमन सिंबल जो होता है डी होता है, 100 का सी और 100 का सी। इस तरह से हम लोगों का जो 700 का रोमन नंबर बना था वो डी सी सी बना था। ठीक है, तो चलते हैं आज अभी स्टार्ट करते हैं 701 से। अगर हम 701 की बात करें, 701 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 1। तो 500 का होता है डी, 100 का सी, फिर 100 का सी और आई, ये हो गया हमारा डी सी सी आई, ये 701 का। ठीक है, 702 ये हो जाएगा डी, 2 टाइम्स सी, 2 टाइम्स आई, क्लियर। 703 ये हो जाएगा डी सी सी, 3 टाइम्स आई। 704 ये हम लोगों का हो जाएगा डी, 2 टाइम्स सी, आई वी। 705 ये हो जाएगा डी, 2 टाइम्स सी, वी। 706 ये हो जाएगा हम लोगों का डी, 2 टाइम्स सी, वी आई। 707 ये हो जाएगा डी, 2 टाइम्स सी, वी, 2 टाइम्स आई, क्लियर। 708 ये हो जाएगा हम लोगों का डी, 2 टाइम्स सी, वी, 3 टाइम्स आई। 709 ये हो जाएगा हम लोगों का डी, 2 टाइम्स सी, आई एक्स। 710 ये हम लोगों का हो जाएगा डी, 2 टाइम्स सी, एक्स, क्लियर। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो 711 ये हो जाएगा हम लोगों का डी, 2 टाइम्स सी, एक्स आई। 712 ये हो जाएगा डी, 2 टाइम्स सी, एक्स, 2 टाइम्स आई। 713 ये हो जाएगा डी, 2 टाइम्स सी, एक्स, 3 टाइम्स आई। 714 ये हो जाएगा डी, 2 टाइम्स सी, एक्स, आई वी। 715 ये हो जाएगा डी, 2 टाइम्स सी, एक्स, वी। 716 ये हो जाएगा डी, 2 टाइम्स सी, एक्स, वी आई, क्लियर। 717 ये हो जाएगा डी, 2 टाइम्स सी, एक्स, वी, 2 टाइम्स आई। 718 ये हो जाएगा डी, 2 टाइम्स सी, एक्स, वी, 3 टाइम्स आई। 719 ये हो जाएगा डी, 2 टाइम्स सी, एक्स, आई एक्स, क्लियर। 720 ये हो जाएगा हम लोगों का डी, 2 टाइम्स सी, 2 टाइम्स आई, क्लियर। अब 720 की बात करें तो 700 डी सी सी और उसके बाद 20, 2 टाइम्स एक्स। 721 ये हो जाएगा हम लोगों का डी, 2 टाइम्स सी, 2 टाइम्स एक्स, आई। 722 ये हो जाएगा हम लोगों का डी, 2 टाइम्स सी, 2 टाइम्स एक्स, 2 टाइम्स आई, क्लियर। 723
ये हो जाएगा डी टू टाइम्स सी टू टाइम्स एक्स थ्री टाइम्स आई 724, ये हो जाएगा डी टू टाइम्स सी टू टाइम्स एक्स आई वी 725, ये हो जाएगा डी टू टाइम्स सी टू टाइम्स एक्स वी 726, ये हो जाएगा डी टू टाइम्स सी टू टाइम्स एक्स वी आई 727, ये हम लोगों का हो जाएगा डी टू टाइम्स सी टू टाइम्स एक्स वी टू टाइम्स आई 728, ये हो जाएगा डी टू टाइम्स सी टू टाइम्स एक्स वी थ्री टाइम्स आई क्लियर 729, ये हो जाएगा हम लोगों का डी टू टाइम्स सी टू टाइम्स एक्स अब 9 है तो उसका आई एक्स हो जाएगा 730, ये हो जाएगा हम लोगों का डी टू टाइम्स सी टू टाइम्स एक्स सॉरी थ्री टाइम्स एक्स। आगे हम लोग देखेंगे 731, ये हो जाएगा हम लोगों का डी टू टाइम्स सी थ्री टाइम्स एक्स आई 732, ये हो जाएगा डी टू टाइम्स सी थ्री टाइम्स एक्स टू टाइम्स आई 733, ये हम लोगों का हो जाएगा डी टू टाइम्स सी थ्री टाइम्स एक्स थ्री टाइम्स आई 734, ये हो जाएगा डी टू टाइम्स सी थ्री टाइम्स एक्स आई वी क्लियर। अब डी सी डी टू टाइम्स सी हमारा 700 हो गया, उसके बाद 30, उसके बाद 4 क्लियर 735, ये हो जाएगा डी टू टाइम्स सी थ्री टाइम्स एक्स वी 736, ये हो जाएगा डी टू टाइम्स सी थ्री टाइम्स एक्स वी आई 737, ये हो जाएगा डी टू टाइम्स सी थ्री टाइम्स एक्स वी टू टाइम्स आई 738, ये हो जाएगा डी टू टाइम्स सी थ्री टाइम्स एक्स वी थ्री टाइम्स आई 739, ये हो जाएगा डी टू टाइम्स सी थ्री टाइम्स एक्स आई एक्स 740। अब देखो 740 आ गया, यहाँ पे हम क्या 40 के लिए 4 टाइम्स एक्स लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे 50 से 10 को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा डी टू टाइम्स सी एक्स एल, एल हमारा किसका होता है 50 का सिंबल होता है ठीक है, तो 740 का क्या हो गया डी टू टाइम्स सी एक्स एल। अब आगे ये हम इरेज कर देते हैं, बाकी इसको नोट कर लो, हम इरेज कर दे रहे हैं या फिर इरेज नहीं करते हैं, नीचे लिख देते हैं, यहाँ से ये हम लाइन ड्रॉ कर दिए और यहाँ आ गया ये 741, तो इसका हो जाएगा डी टू टाइम्स सी एक्स एल आई 742, ये हो जाएगा डी टू टाइम्स सी एक्स एल टू टाइम्स आई 743, ये हो जाएगा हमारा डी टू टाइम्स सी एक्स एल थ्री टाइम्स आई 744, ये हो जाएगा डी टू टाइम्स सी एक्स एल आई वी ठीक है 745, ये हो जाएगा डी सी सॉरी डी सी सी एक्स एल वी 746, ये हो जाएगा डी टू टाइम्स सी एक्स एल वी आई 747, इसका हो जाएगा डी टू टाइम्स सी एक्स एल वी टू टाइम्स आई 748, ये हो जाएगा हमारा डी टू टाइम्स सी एक्स एल वी थ्री टाइम्स आई क्लियर, 8 है तो वी थ्री टाइम्स आई हो गया। उसके बाद 749 का हो जाएगा हमारा डी टू टाइम्स सी एक्स एल आई एक्स क्लियर, देन उसके बाद
50, ये हो जाएगा हमारा डी टू टाइम्स सी एल, क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों का 701 से लेके 750 तक हमने देख लिया, 750 का डी टू टाइम्स सी एल। अगर इसकी हम बात करें, इसको ब्रेक करें, तो ये 700 प्लस 50 हो जाएगा, 700 का हम लोगों ने लिखा था डी सी सी, उसके बाद आगे एल हम उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोगों का पार्ट 15 कंप्लीट हो गया है, जिसमें हम लोग 701 से लेकर 750 तक देख लिए हैं कि कैसे रोमन नंबर्स को लिखेंगे। बाकी जो भी इसका नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी पार्ट 16 जो इसका है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।